नमस्कार। तो आज आप अशोक लेलैंड स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। अशोक लेलैंड की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते स्टॉक में काफ़ी गिरावटी आई। आज भी देख सकते स्टॉक में सेलिंग प्रेशर है, पर नीचे जो वो ब्लू कलर का लाइन जो है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, वो एक सपोर्ट जोन है अशोक लेलैंड के लिए। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है स्टॉक तो पुल बैक देखने को मिल सकता है। पर इसके अलावा आप लोग नज़र डालोगे तो आज क्वार्टर टू के रिजल्ट जो है वो सामने आने वाले अशोक लेलैंड के मीन सेप्टेम्बर क्वार्टर के नतीजे, तो देख सकते कि कमर्शियल व्हीकल में काफ़ी बड़ा यहाँ पे शेयर है अशोक लेलैंड का, और रिसेंटली क्वार्टर टू के नतीजे सामने आने वाले। तो अगर नतीजे इम्प्रूव होते हैं इस क्वार्टर में तो प्रॉफिट इम्प्रूव होता है तो स्टॉक में इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकती है, पुल बैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो पुल बैक के लिए कितना प्रॉफिट होना चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिट था 551 करोड़ का था और पिछले सितंबर करोड़ में प्रॉफिट ऑफ 569 करोड़ का था। अगर ये दोनों एस्टिमेट्स बीट होते अशोक लेलैंड के तो स्टॉक में एक रिकवरी हो सकती है, प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं।